सिर्फ फौज की खातिर ओके ओके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन यहां पर उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ धरने स्थल से पुरानी बस्ती थाना का घेराव करने निकली थी। इस बात का आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि जिस तरीके से पिछले दिनों धर्मांतरण की शिकायत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर दी गई थी, 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR कर दी गई थी और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिलाध्यक्ष सचिन सुंदरानी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या पर यहाँ पर कार्यकर्ता जो है पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने निकले थे, लेकिन उन्हें रस्ते में ही जो है धरने स्थल के पास ही पुलिस ने रोक लिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, यहाँ तक पूरा बटालियन बुला लिया गया। यहाँ पर आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पूरा टीम का शेड लगा दिया गया, पीछे भी जो है पुलिस फोर्स को बड़ी संख्या में तैनात किया गया। अगर मान लो कार्यकर्ता इसे तोड़ करके आगे चले जाते तो वहां पर जो पुलिस फोर्स है उन्हें रोकने के लिए तैनात किया गया। यहाँ पर आप देख सकते किस तरीके से कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन एक तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी है और लगातार जो है राज्य सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर आंदोलन जो है नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भारी आक्रोश जो है कार्यकर्ताओं पे नजर आ रहा है साफ तौर पर कि जो उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन पर किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर दी गई धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के, और उसी के विरोध में जो है आज पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने के लिए निकले हुए। यहाँ पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए, यहाँ पर बड़ी संख्या पर भाजयुमो के भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पर इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। एक तरीके से पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर रोक दिया गया और यहाँ पर जो विरोध है ये समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पिछले 2 घंटे से विरोध प्रदर्शन जारी है और करीब 20 मिनट बीत चुके। धरने स्थल से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पुरानी बस्ती थाने का घेराव करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और उन्हें यहाँ पर रोक लिया गया। रोकने की ही वजह जो थी, कार्यकर्ताओं में एक भारी आक्रोश देखने को मिला जो यहाँ पर रुक करके सरकार के खिलाफ पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे, जिसके बाद यहाँ पर राजेश मूणत पहुंचे हुए और कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि जो संविधान को तोड़ने की बात करेगा, जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करेगा, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी हुई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए, यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और जिस तरीके से शुरुआती आंदोलन यहाँ पर नजर आ रहा था, बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता थे ये सीधा धरना स्थल से हल्ला बोल करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जो है सीधा पुरानी बस्ती थाना की ओर कूच कर रहे थे और पुलिस के साथ जमकर झूमा झटकी भी करते हुए नजर आए कार्यकर्ताओं द्वारा। लेकिन पूर्व विधायक मार्कंडेय जी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा धरना प्रदर्शन रहा, कार्यकर्ता पे भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल, ये धर्मांतरण के विरोध में हमारे सभी कार्यकर्ता और आम नागरिक बहुत आक्रोशित है और हम अपनी बात रखने जा रहे हैं कि जो संविधान के प्रतियां जलाने की बात कहे हैं ऐसे लोगों को पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। ऐसे लोग जो वहाँ धर्मांतरित कर रहे हैं उसका हम सबूत दे रहे हैं, उसके बाद भी उस पर FIR नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर FIR कराने की मांग हमने SP से TI से पहले किए थे और हमने एक समय भी दिए थे कि आज तक करके दिया जाए, अगर FIR नहीं करोगे तो हम आज थाना का घेराव करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और वही काम के लिए हम जा रहे हैं। तो इस तरह से बैरिकेड्स लगा के ऐसी रोका छेका ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण के विरोध में जो धर्म रक्षक काम कर रहे हैं उसके खिलाफ ये षड्यंत्र कांग्रेस कर रहा है।
तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मार्कंडेय जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे थे कि संविधान के पन्ने को जला दिया जाए, लेकिन हम तो धर्मांतरण कराते रहेंगे, तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी संख्या पे कार्यकर्ता जो है वे पुरानी बस्ती थाना का घेराव करने के लिए कूच किए हुए थे धरना स्थल से, लेकिन पुलिस ने उन्हें रस्ते में ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है स्थिति रहने वाली है उनसे, आखिर किस तरीके से बाहर रहने। मूणत जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर रोक करके रखा हुआ है, और यहाँ पर एक तरीके से नारेबाज धर्मांतरण के विरोध को लेकर के, और लगातार जो है यहाँ पर एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। भरी धूप में यहाँ पर भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बैठ गए हैं सड़कों पर, और लगातार जो है यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से जो है गाने के जरिए जो है एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्मांतरण जो चरम स्तर पर छत्तीसगढ़ पर है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, भरी धूप में सड़कों पर बैठ गए, और लगातार जो है गाने के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ जो है एक संदेश भेज रहे हैं कि जो धर्मांतरण के मुद्दे पर जो पुरानी बस्ती थाना में इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, एक तरीके से तरफा कार्रवाई जो है इसे बताई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, और लगातार जो है राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मूणत जी भी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मूणत जी, विरोध करने के लिए निकले हुए थाना का घेराव, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला चल रहा, इस पर सोच चुका है धर्मांतरण कर रहे हैं, पादरियों ने पकड़ में आते हैं उसके बाद में उनके खिलाफ में कार्रवाई ना करना, और भाजपा के कार्यकर्ता को दबाना, उनके खिलाफ में झूठे केस दर्ज करना, आज उसके विरुद्ध भाजपा के कार्यकर्ता हिंदू समाज आज सड़क पर आया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जो वहां पर एफआईआर की गई, कहीं एक तरफा कार्रवाई। जब पादरी खुलेआम कह रहा है हम धर्मांतरण करेंगे, हमें संविधान में छूट है, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो खुलेआम प्रताड़ना कर रहा है, और हमारी एफआईआर होने के बाद, उनके आवेदन देने के बाद भी आप उसके खिलाफ में एफआईआर नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं शासन का दबाव है और धर्मांतरण को शासन प्रोत्साहन कर रहा है। आगे क्या रणनीति रहने वाली, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी कार्यकर्ता, और राजेश मूणत ने भी साफ कर दिया कि वहाँ पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, और पादरी जो थे थाने के बाहर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि संविधान के में लिखा हुआ है और हम धर्मांतरण कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास नजर आ रहा था, और इसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, ये पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई है। और एक जो वीडियो क्लिप सामने आया पिछले दिनों पादरी का, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, तो ये जो है कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है, और आने वाले समय पर एक और बड़ा उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया जाएगा। देख सकते हैं एक और तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या पर जो है यहाँ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, यहाँ पर युवा कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर महिला प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और लगातार जय सिया राम के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। और